हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। आयुर्वेद, जिसका प्रथम उद्देश्य है स्वस्थ शरीर की रक्षा करना, इसी क्रम में आचार्य वाग्भट ने आयुर्वेद की चिकित्सा की प्राचीनतम पद्धतियों का अध्ययन कर प्राचीन संहिताओं को आधार बनाकर आरोग्य प्राप्ति के सूत्रों का विशद वर्णन अपने ग्रंथ अष्टांग हृदय में किया। अष्टांग हृदय ग्रंथ के आयुष काम्य नामक अध्याय के महत्वपूर्ण विषयों के वर्णन क्रम में आज जानते हैं रोगी के परीक्षण के लिए प्रकार और उपाय, उपचार में काल और औषध भेद आदि के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी रोगी के परीक्षण के लिए कौन से प्रकार और उपाय होते हैं। दर्शन स्पर्श प्रश्न ही परीक्षेत च रोगिणम रोगम निदान प्राग रूप लक्षणोपशयाप्त भी। त्रिविध रोगी परीक्षा का वर्णन करते हुए वाग्भट कहते हैं कि दर्शन अर्थात देखकर, स्पर्शन अर्थात छूकर तथा प्रश्न अर्थात रोगी को पूछकर इन उपायों से रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। साथ ही रोग परीक्षा के 5 उपाय भी कहे गए हैं, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय एवं संप्राप्ति। इन 5 उपायों से रोग की परीक्षा की जाती है। रोग उत्पन्न करने वाले कारणों को निदान कहते हैं। रोग उत्पन्न होने से जो पहले लक्षण दिखाई देते हैं वे पूर्व रूप हैं। जो लक्षण रोग होने पर साथ साथ रहते हैं वे रूप या लक्षण हैं। गूढ़ लक्षणों वाले रोग का ज्ञान कराने वाला साधन उपशय है। रोग में कौन सा औषध, आहार एवं विहार लाभदायक है यह भी उपशय से ज्ञात होता है। रोग कैसे उत्पन्न हुआ, किस प्रकार बढ़कर इस रूप में आया, यह इतिहास ही संप्राप्ति है। आयुर्वेद में वाग्भटाचार्य जी का योगदान, अति महत्वदान योगदान किया उन्होंने अष्टांग हृदय की संरचना कर। अष्टांग हृदय एक ऐसा ग्रंथ है जो उसके पहले के दोनों ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का मिलित स्वरूप है। उसमें चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का सार गर्भ स्वरूप में युगानुरूप कर अष्टांग हृदय की संरचना की गई, इसलिए वाग्भटाचार्य का योगदान अति महत्वपूर्ण माना गया। उपचार के काल के भेद का वर्णन करते हुए कहा गया है, क्षणादिर व्याध्यवस्था च कालो भेषज योग कृत शोधनम शमनम चेति समासादौषधम द्विधा। अर्थात क्षण, लव, निमेशादि काल गणना वाचक तथा व्याधि की अवस्था के अनुसार काल के 2 प्रकार होते हैं। इनका औषध उपचार में उपयोग किया जाता है। किसी रोग के साम, निराम, मृदु, मध्य आदि अवस्था को देखकर उसी के अनुरूप औषध व्यवस्था की जाती है। संक्षेप में औषध 2 प्रकार की होती है, शमन औषध एवं शोधन औषध। जो औषध कुपित दोषों को शरीर से बाहर निकालकर रोग का शमन करती है वह शोधन औषध है, तथा शमन औषध शरीर के दोषों को अपने अपने स्थान में ही शांत कर सम करती है। शारीरिक दोषों की परम औषध की बात करें तो कहा गया है, शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम बस्तिर वीरे को वमनम तथा तैलम घृतम मधु। अर्थात शारीरिक दोष वात, पित्त एवं कफ के विकृत होने पर क्रमशः वस्ति, विरेचन एवं वमन से शोधन करना परमौषध कहलाता है। इन कर्मों के लिए अर्थात वात में वस्ति के लिए तेल, पित्त में विरेचन हेतु घी एवं कफ में वमन के लिए मधु शमन रूप परमौषध है। मानस रोगों के परमौषध के बारे में कहा गया है, धी धैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। अर्थात हिताहित विवेक करने वाली बुद्धि, धैर्य धारण करना, योग ध्यान आदि से आत्मज्ञान होना, ये तमोगुण एवं रजोगुण से उत्पन्न मानसिक विकारों की परम औषध है। आयुर्वेद और इससे संबद्ध ग्रंथ आरोग्य प्राप्ति के लिए अप्रतिम ग्रंथ हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें इस शास्त्र का उपदेश का अनुकरण करते हुए जीवन को दीर्घायु संपन्न तथा शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्त बनाए रखना चाहिए। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देख